हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर नंबर थर्ड है हमारे पास। लेक्चर नंबर थर्ड क्लास नाइन्थ का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले से लिख दी है। हमारा आज का टॉपिक होगा वेलोसिटी। क्या टॉपिक होगा हमारे पास? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी इट इज अ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। तो फोकस करें आप किस वर्ड पर? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर हमें फोकस करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी, देखो स्पीड में और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्शंस का रोल आ जाएगा। वहां डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला जब आप लिखोगे, देखो वेलोसिटी को हम वी से डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को टी से। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने यहाँ पर वेक्टर साइन लगाया है, और वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, तो यहाँ पर भी आपने क्या लगा दिया? एक वेक्टर साइन लग दिया। ठीक है, उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए वी इक्वल टू एस अपॉन टी को एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर की जाती है? मीटर में। और टाइम क्या होगा? सेकेंड। तो हमारे एसआई यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकेंड। सीजीएस की बात करें तो सीजीएस यूनिट हमारे पास लिखे हैं हम, तो सीजीएस में हमारे पास मीटर की जगह आ जाता है सेंटीमीटर, और टाइम रहता है आपके पास सेकंड, तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। और उसके बाद एक पॉइंट लिखे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो याद रखना है कि यहाँ पर हमें डायरेक्शन पर फोकस करना है। हमें किस पर फोकस करना है? डायरेक्शन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास काम आएगी, कुछ चीजें हम यहाँ पर सीखते हुए चलते हैं कि लेट सपोज अगर कभी हमें कोई भी डेटा किलोमीटर पर आवर में दिया जाए, जैसे हमसे कह दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। ठीक है, या फिर हमें दे दिया गया है कि एक्स अमाउंट है जो कि मीटर पर सेकंड में है, उसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे जब आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा होगा और मीटर पर सेकंड निकालना होगा, तो उस चीज को हम यहीं पर सीखते हुए चलते हैं, इस कन्वर्जन को। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो किसको यूज करते हैं? किलोमीटर पर आवर को। लेट सपोज कोई भी एक डेटा आपको दिया हुआ है, किसमें? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में पर सेकेंड। तो देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है आपके पास? किलोमीटर। तो किलोमीटर को अगर मैं मीटर में लिखूं तो मुझे क्या लिखना होगा? 1000, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर में। आवर्स को अगर मुझे सेकेंड में लिखना हो तो मुझे लिखना होगा 60 मिनट और 60 ही सेकेंड, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सेकंड। अब देखो लास्ट में मीटर पर सेकंड आ गया, बस इस एनालिटिकल पार्ट को सोल्व करना है, तो ये बन गया 1000 और डिवाइड बाय कर दो आप 3600। जीरो जीरो एंड जीरो एंड जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया, यूनिट क्या बन चुकी है यहाँ पर हमारे पास? मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम, 2 से कैंसिल आउट होगा 18 टाइम, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। मीन्स कोई भी डेटा आपको दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 18 का, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? क्योंकि ये 1 के लिए है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, 18 × 5/18 आपके पास आ गया। तो 18 से 18 कैंसिल आउट हुआ, तो ये डेटा किस में आया? मीटर पर सेकेंड। किसमें आ गया स्टूडेंट? मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड आपके पास बन गया। ठीक है, अब रिवर्स करके चलते हैं, इसका रिवर्स में किस तरह का पैरामीटर बनेगा देखते हैं। रिवर्स का मतलब है कि हमें क्या दिया हुआ है? मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो देखो न्यूमरेटर में मीटर है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें 1000 का डिवाइड कर देता हूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किलोमीटर में। इनटू यहां पर सेकंड दिया हुआ है, अब सेकंड को किससे डिवाइड करूं कि ये हावर्स में कन्वर्ट हो जाए? तो इसको 3600 मतलब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये सेकंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हावर्स में, तो ये बन गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया? देखो हाँ, किलोमीटर आ गया न्यूमरेटर में और हावर्स आ गया डिनोमिनेटर में, लेकिन डिजिट की फॉर्म में क्या आ गया? 3600, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा आपके पास 1000। इन दोनों 00 से 00 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया? देखो
से 18 टाइम और 2 से 5 टाइम, ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पर आवर। पहले वाले से जस्ट रिवर्स आया है स्टूडेंट्स, देख लो वहां पर 5/18 आया था, यहाँ पर 18/5 आया, क्लियर। तो अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर रहा और मैं जाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5। जैसे यहाँ पर मेरे पास डेटा मान लेता हूँ मैं 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि अभी जस्ट हमने ऊपर सोल्व किया है, इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करने का, 18/5 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 18/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल वही आ गया जो हमने पहले चेंज किया था, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जो कि हमारे पास कई बार स्पीड्स को इनको कन्वर्ट करने के काम आएगा, तो इसको आप सीख लें साथ के साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ अ वेलोसिटी पे। वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं आराम से, लेकिन हम फिर आपसे फोकस करने की कह रहे हैं कि जब भी हमसे पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए वेलोसिटी के बारे में, तो फोकस करें डिस्प्लेसमेंट पर। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बनाता हूँ कि जैसे यहाँ से एक बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, वो चलता है कितना, वो चला 5 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और फिर वापस आया और इसी रूट से फिर वो वापस आता है, लेकिन आते टाइम वो डिस्टेंस तो सेम चला, लेकिन आते टाइम उसकी जो स्पीड थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस केस में मैं आपसे वेलोसिटी अगर पूछूं तो आप क्या बताएंगे, वेलोसिटी मतलब क्या हो गया। देखो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस केस में, देखो जहां से चला था पहले राइट गया फिर वापस लेफ्ट आया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। फिर चाहे टाइम कितना भी हो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, 0 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर जब भी हमसे वेलोसिटी पूछी जाएगी, हम फोकस करेंगे स्टूडेंट्स किसके ऊपर फोकस करना है आपको, हमेशा आपको फोकस करना है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ अ वेलोसिटी, नेक्स्ट हेडिंग लिखे आप, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ओके। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बनेगा आपके पास, उसको नोट करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इफ बॉडी ट्रेवल्स, इफ बॉडी ट्रेवल्स, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन गिवन डायरेक्शन। देखो हमने पहले भी कहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ही क्या है, डायरेक्शन का, ठीक है। तो इन अ गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन का मतलब भी क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट की बात करने लग गया, ठीक है। इन अ गिवन डायरेक्शन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड बॉडी ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नाउ कॉपी दैट। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन,
गिवन डायरेक्शन लिखना जरूरी है वेलोसिटी में, अदरवाइज ये बिल्कुल स्पीड को कंपेयर के स्पीड का डेफिनेशन बन जाएगा गिवन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशंस हो गई। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ एवरेज वेलोसिटी। इस तरह से हमने एवरेज स्पीड के बहुत सारे केसेस वहाँ पर डिस्कस किए थे, वैसे हम एवरेज वेलोसिटी में भी केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, तो हम सारी चीज़ें किस पर फोकस करेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट पर। तो जैसे ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, आप बाकी सारी चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले की फॉर्म पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, सो वी एवरेज इज इक्वलेंट टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, यूनिट क्या रहेगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की? एवरेज वेलोसिटी की यूनिट वही रहेगी हमारे पास जो कि सेम है, मीटर पर सेकेंड, किसके लिए? एसआई सिस्टम के लिए, और सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीए सिस्टम के लिए, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। हमारे पास जो वेलोसिटीज होंगी ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी, तो वी एवरेज एस एवरेज एंड डिवाइडेड बाय ए टी। टाइम कभी वेक्टर नहीं होता हमारा, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। इट्स ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके स्टूडेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है डियर, किसी भी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है। इंस्टेंट का मतलब हो गया कि जैसे ही अब कोई गाड़ी को चला रहे हो, व्हीकल चला रहते होते हैं, उस टाइम पे जब स्पीडोमीटर पे हमारी जो रीडिंग, जो स्पीडोमीटर का जो निडल हमें बताता है, वो हमारी कौन सी वेलोसिटी है, वो हमारी एवरेज है? नहीं। जैसे हम कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह पर हमने 50 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का एक जर्नी ट्रेवल किया, और बीच में मैंने 2-3 बार देखा कि मेरी स्पीड एक बार 80 किलोमीटर थी, एक बार 60 भी थी, तो क्या ये जो 80 और 60 बता रहा है, क्या ये हमारा एवरेज है? नहीं, ये हमारा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड और वेलोसिटी होती है। मीन्स पलक झपकाने जितना टाइम लगता है उस वेलोसिटी को देखने में, उतने में अगर एक बिल्कुल हाईवे पे चल रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो जस्ट उसके 2 सेकंड बाद ही स्पीडोमीटर में चेंज हो जाता है। बिल्कुल डिजिटल होगा तो पॉइंटों में चेंज हो जाएगा, डिजिटल डिजिटल स्पीडोमीटर आते हैं आजकल, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर यहाँ पर जो टाइम पीरियड लिया जाएगा, टाइम पीरियड वो इतना छोटा लिया जाता है कि वो 0 तक ना जाए, बस इस 0 की तरफ जाएगा। मतलब जैसे 1/10 ले लिया, 1/100, 1/1000, ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, क्लोज टू द 0 बट नॉट इक्वल टू द 0। मतलब ये छोटा होता हुआ 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 नहीं हो रहा है। तो उस तरह के टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रेवल किया, उस टाइम को डिवाइड करोगे आप, तो उस कंडीशन पे जो वेलोसिटी आती है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल में मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, ठीक
ठीक है, इसको डेफिनेशन लिख देते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं क्या होगा। देखिए हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी तो है, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वलेंट टू है, बिल्कुल हम लिखते हैं इसको डेल एस वेक्टर क्वांटिटी अपॉन डेल टी। लेकिन हमने क्या कहा, इसमें एक लिमिट लग जाता है, मैथमेटिक्स का फंक्शन है डियर स्टूडेंट, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको, कि डेल टी है जो ट्रेंड डिफरेंस है, जो जितना छोटा टाइम ले रहे हो आप डिफरेंस ही एक तरह का, वो टेंड्स टू जीरो है, टाइम कहाँ जा रहा है जीरो की तरफ बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो आगे जाकर आप पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। वो छोटे से छोटे पीरियड के लिए जब आप इसको निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, तो उस कंडीशन को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है, डी एस बाई डी टी। तो ये फंक्शन हो गया आपके पास वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वलेंट टू अ डी एस बाई, ओके, सो दैट इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस फंक्शन को याद रखिएगा हायर क्लासेस में, और जैसे आप 11th स्विच करेंगे, 9th स्विच करेंगे, उसके बाद कंपटीशन में कई बार आपके ये काम आएगा, ठीक है। अगर हम किसी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते टाइम आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, या फिर आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज इक्वलेंट टू होता है, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा स्ट्रेट लाइन के लिए वो इक्वल होता है हमेशा किसके, वेलोसिटी के, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से लेकर। इसके बाद हम आपको एक होमवर्क है आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट्स, करिएगा बिल्कुल कोशिश करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताऊंगा भी सही। क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क का, ये असाइनमेंट समझ लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब आज के लेक्चर के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर वन, जैसे हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट है बी, चलो यहाँ पर हम पॉइंट्स बनाए लेते हैं साथ के साथ, ठीक है, ये पॉइंट हम बना देंगे स्ट्रेट लाइन पर। ये पहला पॉइंट हमारे पास है, ये पहला पॉइंट आपके पास है, ये दूसरा पॉइंट है आपके पास बी, और तीसरा पॉइंट हमने यहां बना दिया सी। पहले बॉडी ए से बी जा रहा है और बी से फिर बॉडी सी पर जा रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमें ए से बी का जो पाथ दिया हुआ है दैट इज अ 4 मीटर, और बी से सी तक का जो पाथ दिया हुआ है दैट इज अ 6 मीटर, ओके। टाइम भी दिया हुआ है हमें, टाइम ए टू बी का टाइम भी दिया हुआ है, टाइम बी टू सी भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, देखो ए से बी का टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, उसके बाद बी से सी का टाइम दिया हुआ है आपको 3 सेकेंड। अब बॉडी इसके बाद वह रुकती नहीं है, वापस आना स्टार्ट कर दिया, देखो मैंने रिवर्स साइन बनाया, फिर रिवर्स साइन बनाया, और यहाँ रुकी नहीं ए पर, वो तो कहाँ चली गई हमारे पास, और आगे पॉइंट्स चली गई कहाँ तक, डी तक चली गई, ठीक है, और कितना गई 5 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने 5 मीटर, ठीक है। तो टाइम इनका भी दिया हुआ है कि टाइम लगा इनको वापस सी टू बी, उल्टा आ रहे हैं वापस,
उनका टाइम दिया हुआ है दैट इज अ 2 सेकेंड, मतलब थोड़ा सा फास्ट है। फिर उसके बाद कहाँ तक पहुंच गए, बी पर पहुंच गए, बी से वापस ए पर गए, ए पर इनका टाइम लग गया बी से ए का वापस इनको 3 सेकेंड, और ए से जब ये डी पर गए तो इनको टाइम मिला कितना, 4 सेकेंड। ठीक है, अब आपको पूरे स्लॉट के लिए कितने स्लॉट हो गए, ये सारे स्लॉट है ए से बी, बी से सी, सी से डी, सारे स्लॉट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सभी के लिए आपको क्या बनाना है कि इन सब के लिए आपको बताना है इसकी एवरेज स्पीड, और स्पीड और वेलोसिटी निकालो। चलो स्पीड और वेलोसिटी निकाल ली, पहले किस पाथ के लिए, ए बी के लिए, फिर उसके बाद हमारे पास ए से बी और बी से सी के लिए, फिर ए से बी, बी से सी, फिर वापस बी के लिए, फिर ए से बी, बी से सी, सी से बी, और फिर वापस ए के लिए, और लास्ट में कहाँ पहुँच गए आप, डी तक पहुँच गए, ए से बी, सी, बी, ए और डी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना है इनकी, देखो सबसे पहले तो आपको डी सुना, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो बिल्कुल आपको डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, फिर जाके आपकी स्पीड और वेलोसिटी आपकी निकलेगी। ठीक है, तो हम चारों क्वांटिटीज को यहाँ निकालते जाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड और फिर वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस बताएं ए से बी का, सबका आंसर आएगा बिल्कुल 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना लगा ए से बी तक का 2, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है तो वेलोसिटी भी सेम आएगी, दैट इज अ 2 मीटर पर सेकेंड, पहला पॉइंट क्लियर। इसके बाद आते हैं अपन सेकेंड पे, ए टू बी, बी टू सी का टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 10, यहाँ पर भी 10 आएगा क्योंकि लॉन्ग डायरेक्शन है, ऐसे एग्जिट स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है। अब स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 पॉइंट समथिंग, या फिर 10/3 लिख लें, ज़्यादा अच्छा है हमारे पास। तो 10/3 हमारे पास इसका क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई, वही आंसर हमारा वेलोसिटी में भी आने वाला है, क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट ये क्लियर, अब कुछ शायद चेंजेस आ जाएं। देखिए ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी से बी गया, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, 4, 6 और 6, 16 हो गया, 10 तो जाने में लगाया, 6 वापस आने में लगाया, तो 16 मीटर का तो आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया 4 मीटर, क्योंकि हमें इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन आपकी बी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ कितना रह गया, 4 मीटर। तो अब देखो स्पीड कितनी हो जाएगी, 16, टाइम कितना लग गया, ए टू बी 2 मीटर, फिर 3 सेकेंड, थ्री थ्री और टू तो 5 हो गए, वापस जाने में लगे वापस 2, तो 5 डिवाइड 5 प्लस 2 7, तो 16/7 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आया। यहाँ कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट 4, टाइम तो पूरा ही लगा है, तो मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर में, चेंजेस आए। ठीक है, अगला देखते हैं, वापस ए पर आ गए तो डिस्टेंस तो हो गया जस्ट डबल, मतलब 20 मीटर, 10 मीटर जाने में 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई, 20/7 के बाद कितना टाइम और लग गया, 3, 10, तो वापस कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, टाइम चाहे कितना भी लगे कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, डन। अब डी तक जब गए आपके तो इसमें 25 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -5, याद रखें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -5 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, अब डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है, तो यहाँ पर डिस्टेंस में आ गया 25, डिवाइड करोगे 10 और कितना टाइम और दिया इन्होंने, 4 सेकेंड, 25/14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी -5/14 मीटर। तो देखो स्टूडेंट्स वेलोसिटी 0 भी हुई, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, वेलोसिटी नेगेटिव भी है। ठीक है, तो
इस तरह से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, जब आप इसके डिफरेंस लिखेंगे तो वहां पर भी आपके पॉइंट काम आएंगे। आया समझ में स्टूडेंट्स सभी को? ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।